How to reset identity verifications questions. Hi everyone, welcome to Sharma Creation. So दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्वेश्चन को रिसेट कैसे करें. सो यहाँ पे ये जो मोबाइल फोन है ये Vivo Y11 मॉडल है एंड इसके अंदर ये जो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये जब हम लोग प्राइवेसी पासवर्ड को सेट करते हैं और यहाँ पे जब हम लोग फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तब हमसे जो है ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्वेश्चन पूछता है. अगर आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर भूल चुके हो या आपको इन क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है सो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा. मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग इन क्वेश्चन को कैसे रिसेट कर सकते हो, वो भी आपके मोबाइल फोन का डेटा लॉस्ट करे बिना. सो यहाँ पे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए. तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्वेश्चन को रिसेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बैक चले आना है. होम स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको चले जाना है फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड. सिंपल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद आपने जो भी स्क्रीन लॉक के ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ है उसको यहाँ पे जो आपको रिमूव कर देना है. सो यहाँ पे इसको नन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन. स्टेप फर्स्ट आपको बताया कि आपको स्क्रीन लॉक के ऊपर से आपको पासवर्ड हटा देना है. सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड स्टेप आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड यहाँ पे डाला हुआ है उसको यहाँ पे टाइप करेंगे एंड यहाँ पे जो है इसको भी एक बार यहाँ से रिमूव कर देंगे, डिसेबल प्राइवेसी पासवर्ड. सो यहाँ पे इसको सिंपली ओके कर देंगे. ओके करने बाद यहाँ पे जो है आप लोगों को नया पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होगा. तो सिंपली यहाँ पे जो है मैं नया पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ. सो यहाँ पे अब जो है हमारा प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन का पासवर्ड यहाँ से जो है रिमूव हो चुका है. अब जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं उनको रिसेट कैसे करें, सिंपली हमको जो है प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है एंड जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आप लोगों को फिर से जो आपका नया पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा. तो सिंपली यहाँ पे जो आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है. तो सिंपली यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने जो दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे जो है इन क्वेश्चंस को आप लोग रीसेट कर सकते हो. आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर डाल सकते हो. आप जैसे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर डालोगे आपको यही आंसर आपको याद रखना है जो कि आपसे फ्यूचर में आपसे यही क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे जैसे आप लोग अपने आंसर को डालते हो तो यहाँ पे आपका जो आइडेंटिटी क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे रीसेट हो जाएंगे, वो भी आपके मोबाइल डेटा को लॉस्ट करे बिना. सो सिंपली दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही. वीडियो कैसे लगे लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर शर्मा क्रिएशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हो और ऐसे ही वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हो सो गाइस शर्मा क्रिएशन यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो. तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम.